जैसे कि लास्ट वीडियो सीरीज में दोस्तों हमने देखा था थीम्स एंड पेज सेटअप, ये वीडियो सीरीज में हम देखने वाले हैं स्केल टू फिट एंड देन शीट ऑप्शंस एंड अरेंजेस। ठीक है, तो ये जो मैनुअली हम जाके प्रिंट प्रीव्यू में जाके कर रहे थे, ठीक है, वो इशू हर टाइम जाने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। यहाँ पे हम कैसे ईजिएस्ट वे में पेज को सेटिंग करेंगे ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सो बने रहिए मेरे साथ डिस्कवर टैलेंट्स में। वेलकम बैक दोस्तों, ये कुछ शीट है मेरे पास। अगर आपका कर्सर होम टैब में हो दोस्तों तो पेज लेआउट पे प्लीज क्लिक करिए, जहाँ पे हम देखने वाले हैं ये ऑप्शंस, स्केल टू फिट, शीट ऑप्शंस, अरेंज। अभी क्या है ये, कैसे यूज़ करना है हमें हमारे शीट के अंदर, ये रॉ डंप है दोस्तों। मैंने गूगल से जस्ट एक डाउनलोड कर रखी थी, रॉ डंप है फाइल, तो वहाँ से मैंने पुल करी है डेटा। अब यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं, तो जैसे कि मैं आपको पहले बता रहा था कंट्रोल पी प्रेस करेंगे हम, तो यहाँ से कुछ हम यू नो प्रीव्यू देख सकते थे, पेज वन, पेज टू, पेज थ्री, पेज फोर। बट यहाँ से हमें पता नहीं चल रहा था दोस्तों कि हमारे पेज ब्रेक प्रीव्यू जो है, राइट, जो पेज ब्रेक हो रहा था हमारा सेकेंड चीज़ में, तो वो शो करने के लिए हम अगेन एंड अगेन शो कर रहे थे कंट्रोल पी का ऑप्शन। बट यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूँ, आप अगर यहाँ पे क्लिक करोगे, थोड़ा जूम कर देता हूँ पेज ब्रेक प्रीव्यू के अंदर, तो आपको यहीं पे पता चल जाएगा दोस्तों कि एग्जैक्टली आपका कहाँ से पेज कट हो रहा है। तो वहाँ पे आपको जाके कंट्रोल पी प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है अगेन एंड अगेन, तो यहाँ से आपको पता चल रहा है। अगर आप देखोगे दोस्तों ये वाला जो है, ठीक है, यहाँ से टोटल ये प्रिंट के अंदर आ जा रहा है सिलेक्शन के अंदर, एंड देन ये जो पेज टू है यहाँ पे कुछ आ रहा है, करेक्ट। तो इसके हिसाब से आपको ये कुछ शो होगा, बट आपको ये नहीं चाहिए, करेक्ट। तो ये आपको चाहिए कि एक ही पेज के अंदर ये सब ऑटोमेटिकली फिट हो जाए। तो इसके लिए क्या करना है, एक तो आप कर सकते हो इसे मैनुअली भी पुल कर सकते हो ऐसे, ठीक है, और अगर आपको ये पर्टिकुलर कॉलम नहीं चाहिए तो आप इसे भी प्रिंट एरिया सेट कर सकते हो। तो इसे क्या कहते हैं, ये प्रिंट एरिया सेट होता है इससे, ये पर्टिकुलर जो फाइनल बॉर्डर है यहाँ से, एंड देन दिस इज द स्केलिंग ऑप्शन। ये जो स्केल है जो हम देख रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, ये स्केल है, ठीक है, दिस इज द स्केल एंड दिस इज द सेट प्रिंट एरिया। इसे आप इसे भी स्केल कहोगे, ठीक है, क्योंकि डॉटेड लाइन्स है, इसे भी आप स्केल कह सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो शुरू करते हैं हमारे वीडियो सीरीज के अंदर दोस्तों। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आप डायरेक्टली मैनुअली कर सकते हो यहाँ पे, बट यहाँ पे जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं, करेक्ट, यहाँ से भी आप कर सकते हो। जैसे कि विड्थ अगर मुझे बताया गया है यहाँ पे विड्थ, तो मैं पेज टू के अंदर दे दूंगा पेज फोर, करेक्ट, तो ये ऑटोमेटिकली विड्थ में डिवाइड हो जाएगा, एंड देन मुझे विड्थ वैसे नहीं चाहिए, मैं करूँगा एक ही पेज सिंपल, तो एक ही पेज के अंदर ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाना चाहिए। बट दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जैसे मैं वन कर रहा हूँ, अब जैसे कि मैंने यहाँ पे फोर करा था, ठीक है, थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप देख पाओ, यहाँ पे जैसे कि ऑटोमेटिक रखा हुआ है, राइट। अब मैं इसे अगर सपोज फाइव कर देता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली स्प्लिट होगा मेरा डेटा फाइव शीट्स के अंदर, करेक्ट। ये जो वन शीट है मेरा, ये ऑटोमेटिकली फाइव शीट्स के अंदर स्प्लिट होगा विड्थ वाइज, और वैसे मुझे डेटा शो करेगा। बट मुझे वैसा डेटा नहीं चाहिए, मुझे डेटा इस प्रकार चाहिए कि डेटा मैं ऑटोमेटिकली एक पेज के अंदर पूरा आ जाए। बट जब भी आप करोगे दोस्तों, तो यहाँ पे ध्यान देना, ये जो स्केल है आपका, अगर 100% स्केल दिख रहा है तो वो आपका रिड्यूस होके कम हो जाएगा। तो मैं अगर वन पेज कर रहा हूँ, ओके पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये स्केल मेरा 53 दिखा रहा है या फिर 54, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये स्केल है क्या, स्केल मीन्स आपकी जो फॉन्ट फैमिली है, राइट, अपने जो फॉन्ट ऐड कर रखी है शीट के अंदर, उसकी ऑटोमेटिकली एडजस्टिंग वे में एक्सेल खुद से ही उसकी फॉन्ट साइज कम कर लेगा, ठीक है। तो इसका एग्जैक्ट रिजल्ट आपको मिलेगा जब आप हार्ड कॉपी निकालोगे, तो थोड़ा सा साइज इसका कम रहेगा फॉन्ट फैमिली का, ठीक है। तो अगर आप पूछोगे मुझे कि अगर मैं सपोज मैं थ्री कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मुझे 100% मिल रहा है यहाँ पे, तो मुझे स्प्लिट करके मिलेगा डेटा, राइट, एज लाइक योर क्वेश्चन इज राइट। बट जहाँ पे आप स्प्लिट करोगे, बट आपको एक शीट के अंदर वो फाइल नहीं मिलेगी, आपको स्प्लिट करके मिलेगी, जैसे कि ये, ठीक है। तो मैं अगर कंट्रोल F2 भी प्रेस करूँ, या फिर मैं कंट्रोल P ही प्रेस करता हूँ यहाँ पे, चलो यहाँ से अगर आप देखोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ये कुछ टोटल 5 कॉलम्स है मेरे पास,
उतने ही शो होंगे दोस्तों मेरे को। तो इसलिए ये यूज़ होता है, बड़ा एसेंशियल फंक्शन है दोस्तों। तो इससे क्या होगा, हमें पता चलता है कि हमें किस प्रकार फाइल को एडजस्ट करना है हमारी जब भी हम प्रिंटआउट लेते हैं वो। ठीक है, तो ये हुआ विड्थ। ठीक है, आप विड्थ को कैसे एडजस्ट करोगे वो एक शीट के अंदर। एंड देन अगर आपके पास दिस इज़ द थिंग, ठीक है, एक शीट हुआ, एंड देन दिस इज़ द पेज टू, पेज फोर, पेज थ्री, पेज फोर एंड सो ऑन। ठीक है, ये कुछ आपके पास इतने सारे एडेड है। सपोज अगर आपके पास इस प्रकार कुछ डेटा ले रखा है, ठीक है, और आपको एडजस्ट करना है एक ही के अंदर, एक ही शीट के अंदर, तो कैसे करोगे आप? पेज सेवन में जा रहा है, ठीक है, मुझे पेज सेवन नहीं चाहिए, मुझे सब एडजस्ट होना चाहिए पेज सिक्स के अंदर ही। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पेज सिक्स प्रेस करूँगा एंड देन एंटर पे क्लिक करूंगा। जैसे आप देखोगे मैं प्रेस करने के बाद मुझे सब डेटा जितना है मेरा, ये ऑटोमेटिकली टोटल पेज सिक्स यूटिलाइज हो रहे हैं मेरे, एंड देन पेज सिक्स के अंदर एग्जैक्ट वन पेज के अंदर वहाँ पे सब डेटा ऑटोमेटिकली कवर अप हो रहा है। जहाँ पे आप देखोगे तो स्केल टू फिट इसका कम हो गया। ठीक है, मैं जूम करके दिखा दूँ, 100% था पहले, तो ये कुछ स्केल कम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो वैसे ही सेम ऑप्शन जो मैं हमने पहले कवर कर रखे थे, राइट, पेज लेआउट के अंदर थीम्स एंड दिस थिंग, तो उसी में जो हमने करे थे ये, राइट, कहाँ से कैसे जाएगा पेज रेंज, अगर आपको थोड़ा सा धुंधला धुंधला याद हो तो। ठीक है, तो यहीं से वो आप कर सकते हो सब चीज़ें सिंपल। अगेन जैसे मैं प्रिंट दे रहा हूँ दोस्तों, जैसे मैंने आपको कहा था ये ब्लैंक स्क्रीन में आपको शो करेगा। एक्सेल डजेंट नो कि आपको पर्टिकुलर कॉलम नेम चाहिए या फिर ग्रिड लाइंस आपको ऑन चाहिए, तो वो आपको ऑन करने के लिए बिफोर यू प्रिंटेड जस्ट मेक श्योर दैट यू आर एडिंग दैट दिस थिंग ग्रिड लाइंस एंड दिस। ठीक है, प्रिंट में आपको चाहिए तो ये ऑन करना होगा आपको, एंड देन कंट्रोल पी पे प्रेस करोगे तो आपको ये कुछ शो करेगा। ठीक है, शीट रेंज में आ जाएगा सिंपल। अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ मुझे हेडिंग्स भी चाहिए, तो ये मुझे हेडिंग्स भी ऑटोमेटिकली ऐड करके दे देगा। कंट्रोल पी पे प्रेस कर रहा हूँ तो ये हेडिंग भी मुझे ऑटोमेटिकली दे रहा है। थोड़ा जूम कर दूँ अगर आपको चाहिए तो, ये यहाँ पे कॉलम्स आ गए, ये यहाँ पे रो नेम्स, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड कर रहा है। बड़ा इंपॉर्टेंट सा फंक्शन है दोस्तों। सो आई वुड रिकमेंड स्केल टू फिट और ये जो ऑप्शन है शीट का ऑप्शन, ठीक है, ये दोनों एक बार आप रेफर करें और उसके ऊपर थोड़ा प्रैक्टिस करें तो आपको हेल्पफुल होगा। एंड देन हम आते हैं इन द अरेंज, इफ यू कैन सी आई हैव टुक दिस शीट। ठीक है, ऑन दिस शीट वी कैन सी ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, ये सब चीज़ें हैं जो हम अरेंज में दिख रहे हैं, राइट, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अब क्या करेंगे दोस्तों इसमें, ब्रिंग फॉरवर्ड इसका मतलब है कि आगे लेके आओ करके। ठीक है, तो इसको मैं आगे लेके आ रहा हूँ, डबल क्लिक करूँगा उतने स्टेप्स वो आगे आते रहेगा। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली वो वन वन स्पेस स्टेप ऐड हो रहा था, और यहाँ पे डायरेक्टली एग्जैक्टली जब क्लिक करोगे यहाँ पे एंड देन ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आ जाएगा वो। ठीक है, यहाँ पे सेंड बैकवर्ड, अगर बैकवर्ड पे क्लिक कर रहा हूँ मैं, ठीक है, जैसे वन वन स्टेप पीछे चला जाएगा, बट मुझे एकदम डायरेक्टली पीछे भेजना है इसे, ये पर्टिकुलर चीज़ को, तो मैं ओवल यहाँ पे ले लेता हूँ, एक डायरेक्टली चला जाएगा वो यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक एंड देन सेंड टू बैक, तो ऑटोमेटिकली चला जाएगा। ठीक है, देर आर टू स्टेप्स तो फ्रंट में आने के लिए, ठीक है, एक वन बाय वन आ जाएगा एंड देन इसे डायरेक्टली चला जाएगा सिंपल। एंड देन सिलेक्शन पेन दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगर आपको कुछ ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, राइट, सपोज मेरा ये ऑब्जेक्ट इसके पीछे हिडन है एंड देन मुझे वो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ से जाके ये सिलेक्शन पेन ऑन करने के बाद उसे मैं सिलेक्ट कर लूँगा, ताकि मैं वो ऑब्जेक्ट को पर्टिकुलर सिलेक्ट करके बाहर ला सकूँ। करेक्ट, सिलेक्ट किया मैंने एंड देन कीबोर्ड की से मैंने राइट एरो प्रेस किया। सो दिस इज़ द थिंग एंड देन विल सी द अलाइन ऑप्शन। ठीक है, अलाइनमेंट चेंज करता है वो। ठीक है, अगर मेरा चीज़ कुछ ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया है यहाँ पे, उसको वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल फॉर्म में मुझे रखना है और मे बी लेफ्ट और राइट करना है वो पर्टिकुलर चीज़ को, ठीक है, तो इसलिए यूज़ होता है दोस्तों। ये ऑप्शन आपको वर्ड में यूज़ होगा, पावर पॉइंट में यूज़ होगा और एक्सेल में भी ये यहाँ पे हम देख रहे हैं। ठीक है, तो इसे अच्छी तरह से देखिए ताकि वो आपको दिक्कत ना हो आगे समझने में, बहुत सारी चीज़ें होती है, राइट। अब मैं क्या करूँगा, जस्ट एस्केप एंड देन यहाँ पे इसे मैं क्लोज कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है अभी फिलहाल। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखोगे एक लेफ्ट हैंड साइड में कुछ टैब दे दिया है। ठीक है, ये दो ऑब्जेक्ट, करेक्ट, दो है यहाँ पे, टू ऑब्जेक्ट, बट यहाँ पे थ्री ऑब्जेक्ट्स है, तो ये एक्टिवेट करने के लिए अपने को तीन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होगा।
ठीक है, तो विल शुरू शुरू करते हैं लेफ्ट से फर्स्ट। जूम आउट कर लेता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करने के बाद दूसरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो, लेफ्ट, ये लेफ्ट में चला जाएगा, ठीक है। एंड देन सेंटर पे क्लिक, ये सेंटर में आ जाएगा। एंड देन आप क्लिक करोगे राइट पे, तो ये ऑटोमेटिकली राइट पे चला जाएगा, आपका सेकंड ऑब्जेक्ट है वो, ठीक है। जो आप सेकंड में क्लिक करोगे दोस्तों, उसी में आपको अलाइनमेंट उसका चेंज होते रहेगा। आप जैसे कि देख रहे हो यहाँ पे, यहाँ पे टॉप पे क्लिक, एंड देन इट विल गो ऑन द टॉप, एंड देन मिडिल, अगेन मिडिल में आ जाएगा, ठीक है। एंड देन दिस इज द बॉटम, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, खाली आपको समझ के लेना है कि एग्जैक्टली इसका यूज़ कैसे हो रहा है और हमें किस चीज़ को मूव करना है, राइट। दोस्तों मैंने ये इमेज ले लिया है, ठीक है। मैं चाहे तो किसी बॉलीवुड स्टार का भी ले लेता था, लेकिन वो अगेन कॉपीराइट इशू था, इसलिए मैंने ना खुद का इमेज ले लिया है। अब यहाँ पे अगर आपको सपोज यू नो 90 डिग्रीज या फिर किसी मूवमेंट करना है, तो इस चीज़ के लिए हम यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। बट शुरू करने से पहले मैं आपको ये दिखा दूँ, ये जो ये पूरा क्लोज कर दूँ, ठीक है। ये मैं क्लोज कर रहा हूँ पहले, 1 2 एंड दिस इज द 3, ठीक है। तीन ऑब्जेक्ट को मैंने सिलेक्ट करा तब जाके ये ऑप्शन ऑन हुआ, जबकि अगर आप देखोगे यहाँ पे मैं 2 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये फ्रीज है, दोनों ऑप्शन करेक्ट। तो दोस्तों आपको तीनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, 1 2 3, कोई भी 3 आपके ऊपर है, हॉरिजॉन्टल, तो ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है, सबका स्पेसिंग देख के, ठीक है, वर्टिकली एंड देन वर्टिकल मूवमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ उसके, बट आपको एक जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ एग्जैक्टली आप उसे कैसे यूज़ कर पाएंगे, सिंपल। दोस्तों ये वाला एक देख लेना ऑप्शन, शायद से मैं जो एग्ज़ाम रख रहा हूँ इंटरनली उसमें आपको एक सवाल पूछूँ तो आपको ईजी रहेगा उसका आंसर देने के लिए, राइट। स्नैप टू ग्रिड, देन स्नैप टू शेप, एंड देन व्यू ग्रिड लाइन्स, राइट। जैसे कि ग्रिड लाइन्स आपको पता है, ग्रिड लाइन्स हम इसे कहते हैं, राइट। अब ये मैं व्यू में, जैसे कि सपोज मैं इसे ऑफ कर रहा हूँ, राइट, ये जो ग्रिड लाइन्स थी मेरी ऑफ हो गई। अब मेरे पास क्या दिख रहा है, वाइट स्क्रीन दिख रहा है, जूम कर दूँ, वाइट स्क्रीन है, जूम आउट कर देता हूँ, राइट, ग्रिड लाइन्स चली गई है मेरे यहाँ से। अब मुझे वो शो करनी है, तो पेज लेआउट में जाने के बाद मैं क्लिक करूँगा अलाइन, सॉरी, एंड देन व्यू ग्रिड लाइन्स, सो इट विल गिव मी ना व्यू का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। दिस इज द थिंग। एंड देन यहाँ पे अगर आप देखोगे स्नैप टू ग्रिड, अगर मेरा ये ऑब्जेक्ट है, ये मुझे कुछ मूव करते समय कुछ स्नैप हो रहा है, ठीक है, जैसे कि यू नो थोड़ा जूम कर लेता हूँ तो आप बारीकी से आप देख पाओगे, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट को जूम कर लेता हूँ, मैं इस पर कर रहा हूँ, ठीक है। ये पर्टिकुलर मतलब क्या हो रहा है एग्जैक्टली, स्नैप एज इन चिपक रहा है, मैजिक मैग्नेटिक होता है, राइट, मैग्नेटिक के हिसाब से वो स्नैप हो रहा है उस पर्टिकुलर लाइन में। अभी यहाँ पे क्लिक, मैं मतलब कर्सर यहाँ पे ले जा रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे क्लिक होगा, इसे मुझे ऑन करना होगा तब वो ऑप्शन शो करेगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। मैंने उसको ऑफ कर दिया तो ये स्नैप नहीं हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली आगे पीछे थोड़ा ले जा रहा है। इसका यूज़ कैसे होता है दोस्तों, जैसे कि आपके पास अगर कॉलम है, आपको टच करना है वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को उस पर्टिकुलर यू नो ग्रिड लाइन से, तब उसलिए आपको इसका यूज़ होता है। एंड देन स्नैप टू शेप, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्नैप टू शेप, एज एन जो आपके पास शेप है उसको स्नैप करना है तो ये स्नैप करेगा, देखो यहाँ पे कुछ, राइट, धीरे धीरे आप देखोगे डायरेक्टली स्नैप कर रहा है, राइट। सो दिस इज द थिंग दोस्तों, यहाँ पे अलाइनमेंट में, एंड वी आर डन विद इट। सो अभी शुरू करते हैं ग्रुप। सो ग्रुप, जैसे कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को इंडिविजुअली सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड देन मूव कर रहा हूँ, राइट, बट आई डोंट वॉन्ट दैट, मुझे चाहिए कि मैं एट अ टाइम ग्रुप करने के बाद, एक ही सिलेक्शन क्लिक करने के बाद उसे मूव करूँ, like, मुझे कंट्रोल प्रेस करने के बाद इसे तो मूव करना हो रहा है, राइट, बट मैं जब भी कंट्रोल छोड़ू तो अगेन मुझे यू नो इंडिविजुअली मूव कर पा रहा हूँ मैं, बट मुझे वैसा नहीं चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए कि तीनों ऑब्जेक्ट साथ में रहे, जहाँ कहाँ पर मैं मूव करूँ उसे इकट्ठा वो साथ में मूव हो, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, कंट्रोल प्रेस, कंट्रोल कंट्रोल एंड देन ग्रुप, ठीक है, मूव हो गया। एंड दोस्तों अगेन आई लाइक दिस ऑब्जेक्ट सो आई चूज दिस, ठीक है। आपको अगर चाहिए किसी और से ग्रुप करना है, अनग्रुप कर देता हूँ पहले से मैं, तो आप उसे किसी और से भी मूव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। कंट्रोल कंट्रोल, तीनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करा, ग्रुप पे क्लिक करो एंड देन इसे मूव करो। आप इसे कंट्रोल एक्स करके न्यू शीट में भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से भी वो ग्रुपिंग नहीं हटेगा,
ठीक है, खाली मैं मूव कर रहा हूँ, इसे क्लिक करने के बाद भी ऑटोमेटिकली वो चले जा रहा है। अब देखते हैं अनग्रुप, इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, अनग्रुप होना है, अजन नहीं चाहिए मुझे, तो मैं इसे मूव करने के बाद इसे यहाँ पे ले लेता हूँ, जस्ट एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है, सिंपल। मुझे चाहिए कि उसे वापस ग्रुप करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसे पकड़ने के बाद ग्रुप किया, ठीक है, एंड देन उसे अनग्रुप किया, अगर मुझे वापस चाहिए कि उसे ग्रुप करना है, तो मैं काम करूँगा इसे यहाँ पे लेने के बाद, ये ग्रुप करा मैंने यहाँ पे, एंड देन इसे अन रीग्रुप करो, इधर रीग्रुप ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल आई हैड दोस्तों, अब शुरू करते हैं रोटेशन, जो कि जिसके लिए मैंने इमेज डाउन ले ली थी मैंने, ठीक है, रोटेशन इसे रोटेट होगा 90 डिग्री, जैसे चाहिए आप उसे रोटेट कर पाओगे। अगर आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ से आप उसका स्केलिंग भी चेंज कर सकते हो, मोर ऑप्शंस में आपको मिल जाएगा, एंड देन उसे आप रोटेट कर सकते हो आपके हिसाब से, आपके कन्वीनियंट के हिसाब से, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ें हमें जब भी हम कुछ शीट बना रहे हैं, राइट, लाइक टेम्पलेट वगैरह कुछ बना रहे हैं किसी ऑफिस के लिए, या फिर मैक्रोस बिल्ड कर रहे हैं, वो टाइम पे एक जब टेम्पलेट बनाओगे आप, तभी ये सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा चूज होगा, ठीक है दोस्तों। सो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों। सो ये दो सीरीज में मैंने पूरा पेज लेआउट कवर कर दिया है, ताकि मैं आपका ज़्यादा समय ना लूँ, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप इन द वीडियो सेक्शन, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज डाउट्स, ठीक है, तो फील फ्री टू ऐड इन इट, ठीक है। जाने से पहले दोस्तों मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि एंड ऑफ दिस एक्सेल सीरीज यू विल गेट दिस सर्टिफिकेट फॉर श्योर, ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ डिस्कवर टैलेंट्स में, एंड थैंक्स वंस अगेन।